विष्णु पुराण के अनुसार जो संसार में सर्वोच्च ईश्वर है श्री विष्णु उनका निकटतम मूर्त स्वरूप है। श्री विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुगम और भक्तों की निष्काम भक्ति से वे प्रसन्न होते हैं। विष्णु पद का शाब्दिक अर्थ व्यापक या गतिशील होता है। वे जगत का पालन तथा आसुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। वे अपने भक्तों के लिए दयामय, शत्रुओं के लिए भयकारक होते हैं। श्री हरि का ये स्तोत्र मन के लिए अत्यंत शांति उत्पन्न करता है। तो फिर चलिए जानते हैं श्री हरि स्तोत्र का शाब्दिक अर्थ। जगत ज्वाल पालम कचत कंठमालम शरत चंद्र भालम महादैत्य कालम नभो नील कायम दुरावारमायम सुपत्मासहायम भजे हम। अर्थात जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्य के काल है नव के समान, जिनका रंग नीला होता है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनके साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सदाम बोधि वासं गलत पुष्पहासम जगत सन्निवासम शतादित्य भासम गदा चक्र शस्त्रं लसत पीत वस्त्रम हसत चारु वक्रम भजे हम। अर्थात जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति होती है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं, जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी सी एक मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमा कंठ हारंग श्रुति वात सारंग जलांतर विहारंग धरा भार हारंग चिदानंद रूपं मनोज्ञ स्वरूपं द्रुतानेक रूपं भजे हम। अर्थात जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेदवाणी के सार है, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय स्वरूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जरा जन्महीनम परानंद पीनम समाधान लीनम सदैवानवीनम जगत जन्म हेतु सुरानीक केतु त्रिलोकेक सेतु भजे हम। अर्थात जो जन्म और उम्र से मुक्त है, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन सदैव स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नवीन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक है, देवताओं की सेना के रक्षक हैं और तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। कृतान्माय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजे हम। अर्थात जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता है और शत्रुओं का जो मान हरते हैं, जो अपने भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ है, जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। समस्तामरेशम द्विरेफावकेशम जगत द्विम्बलेशम हृदाकाशदेशम सदा दिव्य देहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुंठगेहं भजे हम। अर्थात जो सभी देवों के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर
आकाश के समान स्पष्ट है, जिनकी देह सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त है, वे कुंठ जिनका निवास है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। सुराली वलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरुणं गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाम्बोधितीरं भजेहं भजेहं। अर्थात जो सुरों में सबसे बलशाली है, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ है, जिनका एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा वीर होते हैं, जो महावीरों में भी वीर है, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमावाम भागम तलन्नग्न नागम कृताधीन यागम गतारागरागम मुनिन्द्रे सुगीतं सूरे संपरीतं गुणों गैरतीतं भजेहं भजेहं। जिनके बाम भाग में लक्ष्मी विराजते हैं, जो नग्न नाग पर विराजित होते हैं, जो यज्ञों से प्राप्त किए जा सकते हैं और जो राग रंग से मुक्त है, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। फलश्रुति इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठे दष्टकं कष्टहारं मुरारेः स विष्णोर्विषयोकं ध्रुवं यति लोकं जरा जन्म शोकं पुनर्विदन्तेनो। अर्थात भगवान हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वो दुख शोक जन्म मरण से मुक्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं।